अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले आई हूँ जहाँ पर मारखोर नज़र आते हैं। मारखोर वो जानवर है जो बहुत ही कीमती जानवर है, और इसके शिकार के लिए जब बाहर से लोग आते हैं तो उनको करोड़ से ऊपर देना पड़ता है सिर्फ एक मारखोर के शिकार का। यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम होता है, यहाँ पर इसके गार्ड्स होते हैं जो मारखोर का शिकार नहीं करने देते हैं। आजम भाई, ये हर मौसम में बाहर आते हैं या सिर्फ इसी मौसम में? हर वक्त होते हैं। सर्दियों में भी आते हैं बाहर? सर्दियों में ज्यादा आते हैं। अच्छा, पूरा ये नहीं, बच्चे हैं। अच्छा, ये सारे भी बच्चे हैं। तो ये ऊपर रहते हैं क्या, ये पहाड़ों के? सुबह ऊपर जाते हैं। अच्छा, इस वक्त पानी के लिए नीचे आते हैं। अच्छा, ये इनको मैं दिखाती भी हूँ आपको कि किस तरह से ये जो है हैं सामने, छोटे छोटे नजर आएंगे क्योंकि काफ़ी ऊंची पहाड़ी देखेगा। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसके सामने की पहाड़ी है, यहाँ पर है दरिया है, तो दरिया को क्रॉस करके सामने वाली जगह पर है। इनकी प्रॉपर परवरिश की जाती है, इस तरह नहीं, इनका पूरा एहतमाम ख्याल रखा जाता है। बड़ा ज़बरदस्त है, मैं आपको उस तरफ का अगर हो सकता है व्यू तो दिखाती हूँ। काफ़ी मैंने क्लोज शॉट किया है लेकिन स्टिल ये बहुत छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं। और ये भी बच्ची है ना, ये देखिएगा, ये हैं, नज़र आ रहे हैं इधर, काफ़ी सारे हैं इधर, बहुत सारे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। वो आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े सींग होते हैं जिन जानवरों के, तो ये वही है और बहुत खूबसूरत जानवर कहलाता है। अच्छा जी, इस मारखोर जानवर की आपको एक और बात बताऊं कि ये चित्राल का ख़ास जानवर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये चित्राल में पाया जाता है, यहीं पर ही ये रेयर जानवर है, पूरी दुनिया का ये रेयर। अच्छा जी, ये मैंने आपको इलाका बताया, और ये जब गर्म चश्मा की तरफ जा रहे होते हैं तो उस वक्त ये एरिया आता है मेरे पीछे। ये पूरा मारखोर का वो एरिया जहाँ पर वो रहते हैं, सुबह सवेरे ये ऊपर जाते हैं और वहाँ पर खा पी कर जब इनको प्यास लगती है नीचे शाम को पानी पीने के लिए आते हैं। तो ये आपने आज देखा यहाँ पर, और ये आप देखिएगा पूरी पहाड़ी है ब्यूटीफुल, और ये नीचे पूरा दर। वाके का नाम खुशी कंजर्वेशन कहलाता है और ये मारखोर का स्पेशल इलाका है। तो कोई आना चाहे यहाँ पर तो बता सकता है जी, खुशी कन्वर्सेशन जाना है, ठीक है? तो ये एरिया का मारखोर जो ये कितने साल का, ये वाला मारखोर 6 साल का, लेकिन जो शिकार के लिए होता है वो कितने साल का? 12 साल का होता है। अच्छा, और उसका सींग और बड़ा हो जाता है फिर? जो मेल होता है उसका सींग बड़ा होता है, जो फीमेल होती है उसका सींग छोटा होता है। और ये मेल है, आप देखें, काफी खूबसूरत है ये जानवर। रास्ते में आता है गर्म चश्मा के, गर्म चश्मा भी बहुत खूबसूरत है। जो लोग चित्राल आए वो इन दरियाओं का नज़ारा जरूर करें। थोड़ा सा ऊपर से नीचे आना पड़ता है दरिया के, और उसके बाद दरिया के लिए थोड़ा सड़क से, लेकिन ये कि आए और यहाँ पर आते हैं।
का, ब्यूटी का और इस पीस का. थैंक यू.